हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इट्टी रियांश। तो आज बहुत दिनों के बाद हम व्लॉग अपलोड करने वाले हैं, बिकॉज अभी थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं। रियांश के ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर आए हुए हैं तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम उनके साथ गए थे ओमकारेश्वर, तो वो ट्रिप आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो रियांश तो यहाँ पर सो चुका है क्योंकि हम मॉर्निंग में जल्दी ही निकल गए थे। ये इंदौर से 75 किलोमीटर दूर है। MP में दो ज्योतिर्लिंग, एक महाकालेश्वर और एक ओमकारेश्वर। इंडिया में टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 4 ज्योतिर्लिंग बस मैंने दर्शन किए। महाकालेश्वर के दर्शन तो हम कई बार कर चुके हैं क्योंकि उन्हीं की नगरी में हम रहते हैं। ओंकारेश्वर में मैं कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन हम माँ पापा जी को पहली बार यहाँ लेकर के आए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नदी के किनारे पे पूजा चल रही है। नर्मदा नदी के किनारे पे ये ज्योतिर्लिंग बसा हुआ है और यहाँ पर दो मंदिर है, नदी के इस किनारे पर ममलेश्वर और उस किनारे पे जो सामने देख रहे हैं आप वो ओंकारेश्वर। तो हम जिस तरफ से गए थे वहाँ पर पार्किंग जो है वो ममलेश्वर मंदिर की तरफ है, तो हमें उस पार जाना पड़ेगा। और ओमकारेश्वर दर्शन करने के लिए चार्ट आप देख पा रहे हैं, इस तरह से चार्जेस हैं क्योंकि आपको बोट से उस पार जाना होता है। पहले ये ब्रिज भी चालू था ऊपर का, जिससे आप ब्रिज से वॉक करते हुए वहाँ जा सकते हैं, बट अभी आपको बोट की सहायता से ही जाना पड़ेगा। 50 रुपीज़ पर हेड वो लोग क्रॉस करने के लिए, नदी को क्रॉस करने के लिए लेते हैं, और 200 पर हेड ये परिक्रमा कराते हैं नर्मदा की, तो वो भी 1 घंटे का ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसमें वो पूरे इसका ओमकारेश्वर के जो जिस घाट पे बसा हुआ है वहाँ पर पूरा परिक्रमा कराते हैं। तो बहुत ही सुंदर लगता है। नर्मदा नदी में वैसे भी पानी हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप ज़रूर यहाँ पर आइएगा। एंड मैं भी अपने हस्बैंड के साथ पहली बार यहाँ पर आई हूँ। मुंबई से यहाँ आने के बाद रियांश भी बीचेस ढूंढते ढूंढते थक गया है, तो यहाँ पर तो कोई बीचेस है नहीं, तो उसको रिवर में ही मज़ा आ रहा है, मछलियों को वो आटा खिला रहा है। और हम मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं उस पार जाने में। तो आप देखिए हम ओमकारेश्वर मंदिर की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर सभी लोगों ने स्नान किया और नर्मदा नदी में स्नान करने के बाद, पूजन करने के बाद हम लोग ओमकारेश्वर दर्शन के लिए गए। एंड काफ़ी भीड़ थी उस दिन, शायद सैटरडे था, तो सैटरडे के दिन वैसे भी वीकेंड्स में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। एंड फिर भी हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। तो अभी चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, इस तरह से सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, और अभी तो काफ़ी कम रश दिख रहा है। के लिए तो 12 से 2 ये मंदिर दोपहर में बंद रहता है, तो उसी के चलते भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि हम लोग एग्जैक्टली 12 बजे मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंच पाए थे। तो गाइज़ इस तरह फाइनली हम भीड़ से बाहर आ गए थे। तो आप कभी भी वीकेंड्स में मत प्लान करिएगा यहाँ पर दर्शन करने के लिए, अदरवाइज़ VIP टिकट्स भी होते हैं बट वो भी भीड़ काफ़ी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर बाहर शिवलिंग पे काफ़ी सारे पंडित पूजा कराते हैं, अगर आप कराना चाहें तो अभिषेक यहाँ पर करा सकते हैं। 500 से लेकर के 1000 रुपीज़ वो लोग लेते हैं। और अब यहाँ पर रियांश चंदन लगवा रहा है। एंड हम लोगों ने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत धूप हो चुकी थी। मार्च में यहाँ पे काफ़ी धूप होने लगती है, तो आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। यहाँ पर नवंबर से जनवरी तक अगर आप विज़िट करते हैं ना, फेब 15 तक भी आप विज़िट करेंगे ना, तो काफ़ी अच्छा वेदर रहता है। फेब 15 के बाद से यहाँ पर बहुत गर्मी होने लगती है, तो आप कोशिश करिएगा कि अच्छे वेदर में आए तो आप इसका पूरा मज़ा उठा पाएँ। हम लोगों ने परिक्रमा भी नहीं की क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हुई थी। ऑल्सो हम लोग हम लोगों का नियम है कि मंदिर दर्शन करने जा रहे हैं तो कुछ खाएंगे नहीं, तो उपवास था, तो पूरा 2 बजे तक हम लोगों ने कुछ भी खाया नहीं था। तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी में थे कि दर्शन करके पहले कुछ पेट पूजा की जाए, तो हमने परिक्रमा नहीं की। नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम वो परिक्रमा करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो ये है जंगल ओमकारेश्वर के आसपास के, जो पलाश के पेड़ों से भरे हुए हैं। और यहाँ पर इतने ज़्यादा पलाश के फूल आते थे ना कि ये पूरा फॉरेस्ट हम लोग देखते थे ना, पूरा लाल लगता था, फायर फॉरेस्ट की तरह। लेकिन इस बार यहाँ पर बिल्कुल भी फ्लावर्स नहीं दिख रहे हैं, तो ये हमारी ही वजह से हो रहा है, इतना पॉल्यूशन हम लोगों ने बढ़ा दिया है।